श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार, मेरा नाम बरखा भरद्वाज है और मैं आप लोगों के सामने साई एंटरटेनमेंट की ओर से, रिंकी शर्मा जी की ओर से, अपनी एक कहानी बताना चाहूँगी। अगर आप मानो तो एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ साई लीला के माध्यम से। तो ये बात है 10 साल पहले की। 10 साल पहले मतलब 2010 में मैं, मेरा भाई, मेरे पिता और मेरी माँ, हम चारों लोग शिरडी गए थे। फरवरी का महीना था, मुझे वो दिन आज भी याद है। हम लोग बाबा के दर्शन करके आए, हमारे दर्शन बहुत अच्छे रहे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो हमारी एक जो यात्रा थी बाबा के यहाँ की यात्रा, वो हमारी आखिरी यात्रा एक साथ हुई, जहाँ मैं, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम चारों एक साथ एक जगह जा पाए। क्योंकि उसी साल जून 2010 में मैंने अपने पापा को खो दिया। दौरान जिस दिन मेरे पिता की मृत्यु हुई, जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई, रात को वही मेरे सपने में आए। मेरे पापा ही मेरे सपने में आए और वो मुझे ये कह के गए, आप, मुझे अभी भी उस बात का विश्वास नहीं होता कि वो मेरे सपने में आए हैं और मुझे कह के गए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ हो, तो वो कहते हैं कि मैं बाबा के पास हूँ, मैं साईं बाबा के पास हूँ। तो जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि मैं बाबा के पास हूँ, तब से मेरा विश्वास बाबा में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं अपने आप को पूरा नहीं समझ पाती हूँ अगर बाबा ना हो। बाबा मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने हमेशा साथ दिया है, बाबा हमेशा साथ देते हैं। अपना विश्वास हमेशा बाबा पे बनाए रखें। मेरी जॉब छूट गई थी, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगी, बट फिर वही बाबा ने रास्ता दिखाया। लोधी रोड साईं बाबा मंदिर, मैं वहाँ जाती थी। अपने पापा को बाबा में देखती हूँ अभी भी, अपने पापा को मैं बाबा में देखती हूँ। उनकी आंखों में देखते ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मेरी जॉब छूटी, तभी मुझे लोधी रोड के ही बहुत बड़े स्कूल से कॉल आई और मेरी जॉब वहाँ लग गई। फिर मेरा मन किया मैं बदलूँ, फिर मुझे लगा अच्छा बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन फिर वही बाबा का खेत चला और मेरी नौकरी फिर बदली। और आज की टाइम में मैं दिल्ली के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस चीज़ में मैंने हाथ डाला है वो मुझे मिला है, वो सब बाबा की वजह से। बाबा के सिवा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं रिंकी शर्मा को तकरीबन 12 सालों से जानती हूँ। उनका करियर और मेरा करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तकरीबन कह सकती हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छी बहनें हैं। उन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया है और आज उनकी वजह से मैं आप लोगों के सामने हूँ। कुछ असंभव नाम की चीज़ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, बस ये है कि उनका दामन थाम के रखें। धन्यवाद। जय साईं राम।